नमस्कार, देश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में आज बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो वापस स्वदेश लौट गए हैं। आपको बता दें कि स्वदेश लौटे खिलाड़ियों में बॉक्सर लवलीना, भारतीय पुरुष हॉकी टीम और उसके अलावा जो महिला हॉकी टीम है जिसने अपने प्रदर्शन से सभी के दिल जीत लिए, ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया और साथ ही साथ में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी इनके साथ में मौजूद हैं। और सभी लोग जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो इस दौरान विजेताओं के जयकारों से जो पूरा एयरपोर्ट है वो गूंज उठा। आपको बता दें कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, भारतीय खिलाड़ियों ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है जिसकी दाद पूरी दुनिया दे रही है। चाहे बात भारतीय हॉकी टीम की करें, चाहे बात बॉक्सिंग में करें, रेसलिंग में करें, हर जगह भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। और पूरी दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों ने एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका सिक्का बढ़ चढ़ कर बोला है। भारतीय अगर पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता है। उसके अलावा अगर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात करें तो जैवलिन थ्रो में एथलेटिक्स में सूखा खत्म किया है, पहले एथलेटिक्स बने हैं जिन्होंने मेडल जीता है। उसके अलावा अगर महिला हॉकी टीम की बात करें तो महिला हॉकी टीम भले ही पदक जीतने से चूक गई लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय महिला हॉकी टीम ने किया उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। आपको बता दें कि इस बार के ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते हैं जो अभी तक के ओलंपिक इतिहास में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रचने के बाद भारतीय खिलाड़ी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के आने के बाद पूरा एयरपोर्ट विजेताओं की जय जयकार से गूंज उठा। आपको बता दें कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ अब तक के ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टोक्यो से लौटने वाले खिलाड़ियों में जैवलिन थ्रो में भारत को पहला मेडल जिताने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा शामिल हैं जिन्होंने इस बार के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज जीतने वाली लवलीना और 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के अलावा सबका दिल जीतने वाली महिला हॉकी टीम भी शामिल है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस वक्त ये भारतीय खिलाड़ी अपना नाम रोशन कर, देश का नाम रोशन कर वापस लौटे, उस वक्त किस तरह का माहौल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा था? जिस तरीके से भारत ने इस बार ओलंपिक के खेलों में एक अच्छा प्रदर्शन किया है उसके बाद भारत सरकार ने इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में प्रस्तुत किया है और इसके लिए सरकारी तौर पे पूरी तैयारियां की गई थी खिलाड़ियों की स्वागत के लिए। और उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली के अशोका होटल में रखा गया जहां पर सरकार की तरफ से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए और इस दौरान सभी खिलाड़ी जिन्होंने पदक लाने में मदद की है शामिल हुए हैं, पदक लाए हैं, उन सभी का स्वागत किया गया। और बता दें जिस तरीके से देश में उत्साह है ओलंपिक को लेकर के तो उसी दिशा में सरकार ने भी उत्साह बढ़ाया ताकि आने वाले समय में जो टैली है मेडल्स की और बढ़े और भारत जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों में विश्व में गिनती होती है उस तरीके से मेडल इस ओलंपिक खेलों में भी गिनती हो और भारत टॉप 10 में पहुंचे, इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि इस बात का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है लेकिन अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत कोई मेडल तालिका में कोई उतना अच्छा स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है लेकिन देश के नजरिए से अन्य खेलों के और अन्य सालों के अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन था तो सरकार ने अपने स्तर पे इसको बढ़ाने की कोशिश किया है ताकि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़े और जब उत्साह बढ़े तो खेल के प्रति खिलाड़ियों का जो है योगदान बढ़े और फिर वो सभी खिलाड़ी जीतोर लगाएंगे तो आने वाले समय में सभी खेल जितने प्रतिभागी होते हैं जितने खेल होते हैं उन सभी खेलों में भारत के नाम मेडल दर्ज हो और भारत मेडल तालिका में उच्च स्थान पर आए। आशुतोष, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, दरअसल आप मेडल टैली की बात लगातार कर रहे हैं और जो भारत सरकार है वो भी लगातार ये कोशिशें कर रही है कि जब पेरिस में ओलंपिक होंगे तो उस वक्त भारतीय टीम जो है वो टॉप 10 में कम से कम आ सके, इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और लिहाजा इसको लेकर के जो उम्मीद तो यही करेंगे कि जो कवायदे हैं वो रंग लाती हुई भी नजर आएंगे। लेकिन
इस बार के ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो इस बार देश ने उन लम्हों को जिया है जो इससे पहले शायद ही कभी नसीब हुए हों। चाहे बात जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की गोल्डन थ्रो की करें, चाहे महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराना हो, उसके अलावा दूसरी तरफ भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था लेकिन जो भारत के लोग थे वो हॉकी का मैच देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं एक उम्मीद बढ़ती है, क्योंकि दर्शकों का जो समर्थन होता है, जो देश के लोगों का समर्थन होता है, वो भी बेहद जरूरी होता है इन खिलाड़ियों के लिए। जो प्रदर्शन किया है वाकई काबिले तारीफ है। हॉकी की आपने बात की, हॉकी में भारत ने 41 साल बाद ये मुकाम हासिल किया, क्योंकि हॉकी में भारत का इतिहास गर्वान रहा है। मेजर ध्यानचंद के जो स्वाधीन भारत हाउस दौरान भी वो जाकर के लगातार 3 मेडल, वो स्वर्ण जो मेडल थे उनको लाया गया था। 1928 का दौर रहा हो, 32 का और 36 का, ये लगातार 3 बार हैट्रिक लगाई गई थी मेजर ध्यानचंद के उपस्थिति में हॉकी टीम। हॉकी टीम का भारत में एक इतिहास है अपना, लेकिन बीते दिनों काफी पीछे हुई थी और उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसपे बात हो सकती है। लेकिन इस बार हॉकी में जो एक राष्ट्रीय खेल है भारत का, उसमें एक तरीके से जान फूंकने की जो कोशिश जो है खिलाड़ियों ने की है, और 41 साल बाद मेडल जो है हॉकी में मिला है तो काबिले तारीफ है। उसके अलावा भी अन्य खिलाड़ियों ने भी कमाल किया है और अन्य ओलंपिक खेलों के अपेक्षा इस साल ज्यादा पदक आए हैं भारत में, और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया है। तो इस बार का प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि सही रहा है, लेकिन हम लोगों को और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि भारत बड़ा देश है, विश्व में इसका स्थान है, हर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति टॉप 10 के नीचे रहती है। तो बिल्कुल भारत को आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और अब नजरें पेरिस ओलंपिक पर रहेंगे, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से इस ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, चाहे किसी भी खेल को आप ले लीजिए, आप गोल्फ की बात कर लीजिए, भारत में बहुत ही कम लोग गोल्फ के बारे में जानते होंगे, लेकिन अदिति अशोक ने जिनकी वर्ल्ड में 200वीं रैंक है, उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया और विस्कर से वो मेडल लेने से चूक गई और चौथे पायदान पर रही। उसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही मेडल नहीं आया लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन किया उसको देखकर देशवासियों की आंखों में आंसू थे और हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा था। तो कुल मिलाकर अब नजरें पेरिस ओलंपिक पर रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम जब पेरिस में ओलंपिक होंगे तो भारत का जो दल वहां पर जाएगा तो वहां पर शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा और जो टैली है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा, भारत टॉप 10 में भी शुमार होगा। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।